राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने के लिए हम लोग माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि सरकार चलाने में माननीय मुख्यमंत्री जी को कठिनाई हो रही थी और उनके मनोनयन के बाद पूरे देश के अंदर जनता दल यूनाइटेड का संगठन रीढ़ की हड्डी की तरह बिल्कुल मजबूत होने जा रहा है। अब सरकार और संगठन दोनों मजबूती के साथ चलेगा, सरकार नीतीश कुमार जी चलाएंगे और संगठन आरसीपी सर जी चलाएंगे। बिहार का एक एक युवा नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के साथ है। आरसीपी सिंह होंगे के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारिणी बैठक होने के बाद कुल मिलाकर फैसला लिया गया, ये तय किया गया है कि आरसीपी सिंह होंगे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम कार्यकर्ताओं को जो इस वक्त आरसीपी सिंह के समर्थन में नारा लगा रहे हैं और ये जो घोषणा है यानी कि नीतीश कुमार की जगह अब आरसीपी सिंह होंगे, जो कि इस वक्त राज्यसभा सांसद और अब पार्टी का मान आरसीपी सिंह के हाथों में देने का फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। कुल मिलाकर आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर हम सबों के गार्जियन संगठन के प्रभारी आरसीपी सर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आग्रह किया है, जिसका जदयू के सारे पदाधिकारी सारे संगठन के पदाधिकारी स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार चलाने में माननीय मुख्यमंत्री जी को और संगठन देखने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उन्होंने सर्वसम्मति से नीतीश आरसीपी सर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने के लिए हम लोग माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को हृदय से बधाई देते हैं और उनके मनोनयन के बाद पूरे देश के अंदर जनता दल यूनाइटेड का संगठन रीढ़ की हड्डी की तरह बिल्कुल मजबूत होने जा रहा है। पूरा युवाओं में पूरा हर्ष का माहौल है बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर हमारे युवा एकजुट हो चुके हैं। इस खुशी की लहर में हम लोग सारे लोग जो हर्षोल्लास के साथ में जो आज क्योंकि बिहार का एक एक युवा नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के साथ है, यही कारण है कि हम अब सरकार और संगठन दोनों मजबूती के साथ चलेगा, सरकार नीतीश कुमार जी चलाएंगे और संगठन आरसीपी सर जी चलाएंगे। वो यही कि सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे और संगठन को लेकर के जो संभालने की बात कही जा रही थी कि आखिर संगठन जो जेडीयू का इतना बड़ा वो कौन संभालेगा, तो अब आरसीपी सिंह के हाथों में संगठन की कमान दे दी गई है और ये बड़ा कदम है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पार्टी आरजेडी जेडीयू जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये आज साबित हो गया है आरसीपी सिंह के हाथों में कमान। हालांकि अगला दिशा और दशा जो है वो क्या बताता है इसके लिए इंतजार, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार की जगह लेंगे तो कुल मिलाकर राम के हाथों में इस बार जेडीयू की नैया है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ दिखती एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।